मानी बी के द्वारा इंटरलॉकिंग आइसोलेशन और एक्सीडेंट पर एक वीडियो बनाने का रिक्वेस्ट किया गया था, तो आज हम भारतीय रेलवे में इंटरलॉकिंग पर एक पूरी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। भारतीय रेलवे में ट्रेनों का सुरक्षित परिचालन का मुख्य कारण इंटरलॉकिंग ही है। भारतीय रेलवे में सभी गियर्स का आपस में इस तरह से इंटरलॉकिंग किया गया है कि ट्रेन का परिचालन सुरक्षित ढंग से होता है। इंटरलॉकिंग को हिंदी में अंतरपाशन कहते हैं, मतलब सिग्नलिंग गियर का आपस में एक दूसरे से इस प्रकार से ताला लगाया हुआ है कि अगर कोई रेल कर्मचारी गलती करता है तो भी वह गलत काम ना हो। इंटरलॉकिंग को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। इंटरलॉकिंग का अभिप्राय पैनल या लीवर फ्रेम से प्रचालित सिग्नल्स, पॉइंट्स और अन्य उपकरणों की ऐसी व्यवस्था से है जो मैकेनिकल लॉकिंग, इलेक्ट्रिकल लॉकिंग अथवा दोनों के द्वारा परस्पर इस प्रकार से संबंध रखते हैं कि उनका प्रचालन एक समुचित क्रम में हो ताकि संरक्षा सुनिश्चित हो सके। डिफिनेशन तो देखने में अटपटा लग रहा है, लेकिन समझिए इसमें तीन इक्विपमेंट्स यूज किया गया है। पहला है सिग्नल्स, दूसरा है पॉइंट्स, तीसरा है अन्य उपकरण जैसे कि ट्रैक सर्किट, एक्सेल काउंटर ईटीसी। इन तीनों का आपस में लॉकिंग यानी ताला लगाया हुआ रहता है। लॉकिंग में मैकेनिकल लॉकिंग जैसे कि घर के दरवाजा पर ताला लगाते हैं। रेलवे में पॉइंट के ऑपरेशन के बाद सेट होने पर लॉक बार द्वारा पॉइंट मैकेनिकली रूप से लॉक हो जाता है। इलेक्ट्रिकल लॉकिंग जैसे कि सिग्नल देने के बाद पैनल पर एक रूट आ जाता है, इसके बाद आप पॉइंट को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, यानी यह एक इलेक्ट्रिकल लॉकिंग हो गया। और ये तीनों एक सीक्वेंस के अनुसार होता है, जैसे कि पहले रेलवे ट्रैक यानी ट्रैक सर्किट ठीक होना चाहिए, अर्थात टूटा हुआ तो नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप पॉइंट नॉर्मल या रिवर्स में सेट कर सकते हैं और इसके बाद ही आप सिग्नल दे सकते हैं। अर्थात ये तीनों इक्विपमेंट का ऑपरेशन एक सीक्वेंस के अनुसार हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले आप सिग्नल दे दीजिएगा और उसके बाद पॉइंट ऑपरेट कीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। यही तो इंटरलॉकिंग है, समझिए। अब जानते हैं इंटरलॉकिंग का सिद्धांत यानी आवश्यक शर्तें। प्रथम है किसी भी सिग्नल को तब तक ऑफ यानी येलो या ग्रीन नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस लाइन के सभी पॉइंट ठीक ठाक सीट फेसिंग पॉइंट पूर्ण रूप से लॉक न कर दिया गया हो। जैसे मान लीजिए इस होम सिग्नल को इस मेन लाइन के लिए ऑफ करना है, तो इस लाइन के लिए ये दो पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट नॉर्मल में सेट होना चाहिए और इस फेसिंग पॉइंट को भी लॉक होना चाहिए, तभी ये होम सिग्नल ऑफ होगा। सेकंड कंडीशन है इंटरलॉकिंग का, यदि कोई एलसी गेट बीच में हो तो उसे भी बंद करके लॉक कर दिया गया हो, तभी जाकर सिग्नल ऑफ होगा अगर वह एलसी गेट इंटरलॉकिंग है सिग्नल से। थर्ड है जिस लाइन के लिए सिग्नल ऑफ करना है उस लाइन को अन्य दूसरे लाइन से अलग होना चाहिए यानी आइसोलेशन। फोर है स्टेशन के लास्ट स्टॉप सिग्नल यानी एडवांस स्टार्टर को तभी ऑफ किया जाएगा जब अगले स्टेशन से ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पर लाइन क्लियर मिल गया हो। जैसे कि इस एडवांस स्टार्टर यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल को ऑफ करने के लिए इस अगले स्टेशन से इस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पर लाइन क्लियर मिल जाना चाहिए, तभी ये एडवांस स्टार्टर सिग्नल ऑफ होगा। पांचवा है जब एक बार सिग्नल को ऑफ कर दिया गया हो तो उससे रिलेटेड किसी भी पॉइंट को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं या एलसी गेट को खोल नहीं सकते हैं। ऐसा करने के लिए पुनः सिग्नल को ऑन पोजीशन में करना होगा या पूरी के पूरी ट्रेन को पास करानी होगी। जैसे देखिए इस लाइन के लिए इस सिग्नल को ऑफ कर दिया गया है तो इस पॉइंट को आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को ऑपरेट करने के लिए या तो पूरी ट्रेन को पास करना होगा या
इस सिग्नल को ऑन पोजीशन में करके पूरा रूट कैंसिल करना होगा। 5 कंडीशन है, किसी भी लाइन के लिए सिग्नल को ऑफ करने के बाद कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल को ऑफ नहीं किया जा सकता है। जैसे इस होम सिग्नल को ऑफ करने के बाद इसके नीचे लगे इस कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ नहीं किया जाएगा, इसी प्रकार इस लाइन में एसन सिग्नल है तो इसको भी ऑफ नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरलॉकिंग के बारे में। तो इंटरलॉकिंग के दो प्रकार हैं, फर्स्ट है डायरेक्ट इंटरलॉकिंग और सेकंड है इनडायरेक्ट इंटरलॉकिंग। डायरेक्ट इंटरलॉकिंग, इसमें पॉइंट्स और सिग्नल का ऑपरेशन एक ही स्थान से होता है, जैसे कि सेंट्रल पैनल या इन पैनल या RRI से एक ही जगह से पॉइंट और सिग्नल दोनों का ऑपरेशन होता है। जैसे देखिए यहीं पर ये पॉइंट का बटन है और सिग्नल का बटन भी है और यहीं से दोनों का ऑपरेशन भी होता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट इंटरलॉकिंग के बारे में। तो इसमें पॉइंट्स और सिग्नल का ऑपरेशन अलग अलग स्थान से होता है, जैसे कि पहले पॉइंट के पास लीवर या लीवर फ्रेम लगा होता था और अभी भी कहीं कहीं कुछ साइडिंग पॉइंट के पास लीवर या लीवर फ्रेम होता है और वहीं से पॉइंट सेट किया जाता है और सिग्नल का ऑपरेशन स्टेशन से होता है। जैसे देखिए यह एक साइडिंग पॉइंट है और इसका ऑपरेशन यहीं से इसी लीवर से होता है, जबकि सिग्नल का ऑपरेशन इस पैनल से होता है। तो इस प्रकार यह एक इनडायरेक्ट इंटरलॉकिंग हो गया। डायरेक्ट इंटरलॉकिंग को 3 भागों में बांटा गया है, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग। इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग के अंतर्गत आता है पैनल इंटरलॉकिंग यानी PI, सेकंड है रूट रिले इंटरलॉकिंग यानी RRI, इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग के अंतर्गत आता है सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग यानी SSI। अब जानेंगे मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। तो यह एक इंटरलॉकिंग का सबसे प्राचीन स्वरूप है, जहां पॉइंट एवं सिग्नल का संचालन लीवर फ्रेम से होता है। इसमें समय ज़्यादा लगता है और मानव शक्ति का उपयोग भी ज़्यादा होता है। जैसे देखिए इस साइडिंग पॉइंट का संचालन इस लीवर से होता है, तो इसमें मैकेनिकल इंटरलॉकिंग हुआ। इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग अब जानेंगे क्या है। तो इसमें पूरा इंटरलॉकिंग इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा होता है। इसका माध्यम बनता है एक रिले। रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर यह एक मैग्नेट बन जाता है। इस रिले के द्वारा ही पॉइंट और सिग्नल में करंट का सप्लाई जाता है और साथ ही साथ करंट का सप्लाई खत्म भी होता है, जिससे पॉइंट और सिग्नल का ऑपरेशन होता है। पैनल इंटरलॉकिंग और RRI में इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग ही रहता है। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग। तो यह भी एक इंटरलॉकिंग का इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा ही होता है, परंतु यहाँ माध्यम बनता है रिले के स्थान पर ट्रांजिस्टर और कुछ अन्य सेमीकंडक्टर, जैसे कि आजकल स्मार्टफोन और कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग हुआ है। अब जानते हैं पैनल इंटरलॉकिंग। तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग रहता है। इसके अंतर्गत सभी पॉइंट और सिग्नल को स्टेशन पर स्थित किसी बिल्डिंग से पैनल पर लगे स्विच या बटन से परिचालित किया जाता है। पैनल पर पूरे स्टेशन यार्ड को लेआउट का डायग्राम रहता है, जो ट्रैक सर्किट के माध्यम से ट्रेन की उपस्थिति बतलाता है। पॉइंट और सिग्नल की स्थिति भी इसी पैनल पर बताता है। जब पैनल पर किसी लाइन का रूट सेट कर दिया जाता है तो सफ़ेद बत्तियां जल जाती है और जब रेलवे ट्रैक पर कोई इंजन या गाड़ी आता है तो बत्तियाँ लाल हो जाती है और जब ट्रेन चली जाती है तो बत्तियाँ बुझ जाती है यानी नो लाइट हो जाता है। अब जानते हैं रूट रिले इंटरलॉकिंग। तो इसे संक्षिप्त में RRI कहा जाता है। यह पैनल इंटरलॉकिंग का ही विकसित रूप है, जो अपेक्षाकृत बड़े तथा व्यस्त स्टेशनों पर लगाया जाता है, जिसका लेआउट जटिल होता है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चलता है। पैनल इंटरलॉकिंग में आपको जिस लाइन के लिए सिग्नल ऑफ करना है, उस लाइन के लिए पहले पॉइंट अलग से सेट करना होता है, उसके बाद ही सिग्नल के लिए रूट देकर सिग्नल ऑफ करते हैं। जबकि RRI में जिस लाइन के लिए सिग्नल ऑफ करना है, उस लाइन के रूट और सिग्नल बटन प्रेस करते ही पॉइंट अपने आप ऑपरेट होकर सेट हो जाता है, साथ ही साथ सिग्नल भी ऑफ हो जाता है। अर्थात RRI में अलग से पॉइंट ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, जैसे कि पैनल इंटरलॉकिंग में अलग से पॉइंट ऑपरेट करना पड़ता है।
आप जानते हैं सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग के बारे में, तो इसे संक्षिप्त में SSI भी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग रहता है, इसमें पैनल संचालन का कंप्यूटर पर होता है, यानी एक कंप्यूटर रहता है जहाँ पर एक पैनल रहता है, यानी पूरा साइडिंग का लेआउट एंड डायग्राम रहता है। पॉइंट और सिग्नल का ऑपरेट माउस के द्वारा इसी कंप्यूटर पर होता है। यह इंटरलॉकिंग का एकदम आधुनिक रूप है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आपने मेरे हिंदी रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।